मैं मचान में एक्चुअली 8 बजे पहुँच गई हूँ, बट यहाँ पे जो चेक इन टाइमिंग रहता है वो 2 बजे का रहता है। एंड अभी मेरी चेक इन प्रोसेस चल रही है, बट मैंने लंच बुक कर लिया था यहाँ पे। ओके, तो इस टाइप से मैं लंच कर रही हूँ। एंड यहाँ आने से पहले मेरे पास कॉल आया था कि आपको लंच और डिनर यहाँ पे लेना है कि नहीं लेना है। एंड यहाँ पे जो लंच और डिनर है वो बूफे रहता है। अब मैं जो पीछे देख रही हूँ, एंड बूफे की जो वेराइटी का लिमिटेड यहाँ पे वेराइटी है। ओके, तो अभी मैं लंच कर लेती हूँ, उसके बाद में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ अपना रूम। यार यहाँ का लंच मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा ना, एक्चुअली यहाँ पे बुफे में बहुत ज़्यादा वेराइटी नहीं है, लेकिन जितना है ना इतना ज़्यादा डिलीशियस है, इतना ज़्यादा, और वो भी इस मौसम के साथ में मैं लंच कर रही हूँ। मेरे को जितनी भूख थी उसे डबल खाने का मन कर रहा है, इतना ज़्यादा टेस्टी है यहाँ का खाना। ओके, तो मैंने जैसे यहाँ पे चेक इन किया तो मुझे ये एक वेलकम गिफ्ट उन्होंने दिया। आते ही सबसे पहले एक छोटी सी माला टाइप से उन्होंने मुझे पहनाई थी, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा फील हुआ यहाँ आने के बाद में। हाय गाइस, व्हाट्स अप, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। तो आज मैं स्टे कर रही हूँ एक ट्री हाउस में, जिसका नाम है दी मचान, जो कि लोनावला के अंदर है। और यहाँ पे आपको रूम के बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जितना आपका बजट है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे रूम बुक कर सकते हो। ओके, तो रूम बजट ही नहीं, साथ में आप कितने लोग आते हैं यहाँ पे स्टे के लिए उस पर भी डिपेंड करता है। मेरा तो मन कर रहा है मैं यहाँ पे हर एक रूम ट्राई करके जाऊँ, बट ना ही तो मेरा इतना बजट है एंड ना ही यहाँ पे प्रॉपर्टी अवेलेबल है। यहाँ पे एनी टाइम आपको ये प्रॉपर्टी सोल्ड आउट मिलेगी। तो यहाँ पे आप जब भी रूम बुक कराओ तो 1 या 2 महीने पहले कराना, स्पेशली रेनी सीजन और विंटर्स में। अदरवाइज तो आपको अवेलेबल मिल जाएगी, बट ये 2 जो सीजन है उसमें एनी टाइम सोल्ड आउट रहती है। ओके, तो चलिए मैं आप लोगों को मेरा रूम दिखा देती हूँ कि मेरा रूम टूर कैसा है। टाइप से है मेरा रूम। बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, पास सब नहीं है आपको बताने के लिए कि रूम कैसा है। मेरे को नहीं पता कि आप वीडियो में कैसा इसको फील कर पा रहे हो, बट ये रियल में बहुत ज्यादा अच्छा, आप नेचर से एकदम पास से नेचर से कनेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ कि मेरा जो रूम है उसमें अंदर क्या क्या अमेनिटीज है। ओके, तो आप देख रहे हो ओवरऑल तो इस टाइप का ये रूम है। तो यही दे रखा है इन्होंने ये पूरा टी सेक्शन। ये जो रूम है अल्कोहल एंड स्मोकिंग फ्री है। अगर ना ही यहाँ पे आपको टीवी है कि यहाँ पे आप टीवी देख के इंटरटेन कर सकते हो, यहाँ पे आप अपना प्राइवेट टाइम स्पेंड कर सकते हो। अगर आप कपल्स आते हो, फ्रेंड्स आते हो, जैसे भी यहाँ पे स्टे के लिए आते हो। बाद में ये जो वो ठंड वगैरह, अभी नहीं, विंटर्स में जब ज़्यादा ठंड होती है तो आप आग वाग जला सकते हो यहाँ पे। ओके, देन उसके बाद में आप देख रहे हो पूरा ट्रांसपेरेंट वाली विंडो। रूम बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड इस टाइप से ये बेड का इंटीरियर दे रखा है। उसके बाद में ये इन्होंने सीटिंग के लिए दे रखा है, इस टाइप से इन्होंने सीटिंग के लिए दे रखा है। ये आई थिंक कपड़े वपड़े ड्राई करने के लिए दे रखा है, मुझे पता नहीं इसकी क्या काम आता है। उसके बाद में ये दे रखा है पूरा वार्डरोब, ये लॉकर दे रखा है। और नॉर्मल मैंने जो होटल्स हैं उनमें यही देखा है कि जो लॉकर्स जो होते हैं वो ऐसे अलग से रखे हुए, बट इन्होंने वार्डरोब के अंदर अटैच कर रखा है। तो आप यहाँ पे अपना कुछ भी इम्पोर्टेंट सामान जो है वो रख के पिन नंबर लगा के बिंदास बाहर जंगल में घूम सकते हो, ताकि आपको ये भी नहीं होगा कि हमारे रूम से कुछ चोरी नहीं हो जाए एंड ऑल। ओके, देन उसके बाद में बस रूम इतना ही है। एंड अभी आपको मैं दिखाती हूँ यहाँ का वॉशरूम। अब ये गेट देख लो, बहुत ही ज़्यादा प्यारा बना रखा है ये गेट। ऐसा मतलब मैंने हमारे गांव में देखा है, ऐसे जो पुराने घर नहीं होते क्या उनमें उस टाइप से जो इंटीरियर होता है वो ही यहाँ मुझे इंटीरियर लग रहा है, जो कि एकदम मुझे गांव की सी याद दिला दी। अरे हाँ, आते ही तो देन ओके, तो आइए देखिए ये है यहाँ का वॉशरूम। शेयर करती हूँ मेरी बालकनी। तो आई इस टाइप से उन्होंने सीढ़ियाँ बना रखी है, बहुत ही प्यारी लग रही है यार। मतलब ऐसी जगह ओनली मूवीज में देखी थी, मतलब रियल लाइफ में भी होती है। ओके, तो इस टाइप से बालकनी है। यहाँ पे सेटिंग के लिए इन्होंने दे रखा है ये चीज़, इन्होंने सेटिंग के लिए दे रखी है, जो कि बहुत ही प्यारी लग रही है। आप सुबह सुबह यहाँ बैठ के चाय कॉफी पी सकते हो, थोड़ा सा ऐसे स्विंग टाइप से बना रखा है इन्होंने, तो यहाँ आप बैठ सकते हो, इंजॉय कर सकते हो। बारिश बारिश हो रही है, बहुत ही प्यारा लग रहा है, बट अभी बारिश नहीं हो रही, बट हर 2 मिनट में यहाँ पे बारिश हो रही है। ओके, तो मैं आपको थोड़ा सा मेरे रूम का बाहर का व्यू भी दिखा देती हूँ कि मेरे रूम के बाहर किस टाइप से मैं आई थी, क्योंकि यहाँ जितने भी रूम्स हैं रिसेप्शन से काफ़ी दूर दूर बनाए गए हैं। ये मैं थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ मेरे बाहर का व्यू भी। ओह
इतना शांति, इतना साइलेंस है, तो इस टाइप से मेरे रूम का बाहर का व्यू है। एंड मैं बहुत दूर पैदल चल चल के आई थी, एंड यहाँ पे देखो पैदल चलना रहेगा, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि आप गाड़ी से आपको ड्रॉप करेंगे। एंड और वैसे मेरा जो रूम है तो जैसे मेरा वाला वुड्स वाला है, ऊपर फॉरेस्ट मचाना है, इस टाइप से इन्होंने बना रखे अलग अलग से। तो अभी बारिश नहीं हो रही इसलिए मैं आपको थोड़ा सा मेरा बाहर का व्यू भी दिखा देती हूँ। पूरा जंगल है, एकदम फुल मज़े आ रहे हैं। यहाँ पे आई हूँ तब से, दैट्स इट, ये मेरा रूम था एंड रूम टूर मैंने दे दिया। आई होप कि आपको मेरा रूम अच्छा लगा होगा। अभी मैं जस्ट डिनर के लिए जा रही हूँ, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ यहाँ का डिनर, कि यहाँ के आज के डिनर के बुफे में क्या क्या है। फ्रेंड्स, तो अभी मैं डिनर करके अपने रूम में वापस आ गई हूँ, और डिनर मतलब ओहो ओहो लाजवाब, इतना स्वादिष्ट खाना खाना, बाय गॉड, मतलब तारीफ जितनी करूँ उतनी कम है इस खाने की। तो और एक तो यहाँ पे लंच और डिनर आपको दोनों बूफे मिलेंगे, और खाना यार सच में बहुत ज़्यादा यम्मी था, मतलब पेट भर जाएगा ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन मन नहीं भरेगा ऐसा, मतलब खाना खाने के बाद में ऐसे मन करेगा थोड़ा सा तो ये और खाए लूँ, थोड़ा सा तो ये और खाए लूँ, मतलब ऐसा वाला यहाँ पे सीन हुआ है। एंड यहाँ पे अभी बारिश बहुत ज़्यादा तेज है, तो ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे, ऐसे कोई स्पॉट नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ करवाते हैं लोग, जो कि पेड होती है, आपको पे करना रहेगा, एंड जिनका चार्ज एकदम रिजनेबल है, अंडर 500 प्लस टैक्सेस। तीन चार एक्टिविटीज है, जब आप चेक इन करते तो आपको रिसेप्शन पे सारी बातें बता देते हैं ये लोग, यहाँ के जो भी स्टाफ होते हैं। ओके, एंड कॉम्प्लीमेंट्री होती है योगा क्लासेस, जो कि मॉर्निंग में होती है, पता नहीं आके खुल गई तो मैं डेफिनेटली योगा क्लासेस लेने वाली हूँ, अदरवाइज तो किससे उठा जाता है, ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है, मतलब अभी भी बारिश की आवाज़ आ रही है, अभी बाहर कुछ नहीं दिख रहा है नो डाउट, बट अभी मैं थोड़ी देर अपनी बालकनी में बैठने वाली हूँ। ओके, तो आई होप कि आपको डिनर लंच एंड यहाँ मेरा रूम टूर अच्छा लगा होगा। तो आप लोगों के साथ में अब मैं मिलूंगी सुबह, और आप यहाँ का ब्रेकफास्ट भी शेयर करूंगी कि यहाँ का ब्रेकफास्ट कैसा है। तो चलिए गुड नाइट, मिलते हैं सुबह। हाय गाइस, तो अभी आ चुके हूँ मैं ब्रेकफास्ट के लिए, एंड अभी बारिश नहीं हो रही तो आप लोग देखिए यहाँ से व्यू, बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, पूरे जंगल में से फोग फोग हो रखा है। ओके गाइस, तो अभी मैं जा रही हूँ चेकआउट करके अपने घर पे, एंड यहाँ पे मेरा स्टेकेशन बहुत ज़्यादा अच्छा रहा था। ओके, तो अभी बात आती है कि मैंने यहाँ पे कितना पे किया, तो मैंने यहाँ पे एक दिन का 12,000 पे किया था, उसमें मेरा ब्रेकफास्ट इंक्लूड था, कुछ भी इंक्लूड नहीं था, एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे डिनर और लंच दोनों बूफे लिए थे, और बहुत ज़्यादा यम्मी था यार खाना, बहुत ज़्यादा यम्मी था। जिसका चार्जेज है मेरा 2100 रुपये लगा था, लंच और डिनर का दोनों का 2100 रुपये है, और डिनर और लंच बहुत ज़्यादा डिलीशियस था, और रूम भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। रूम की यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग रूम के टाइप्स हैं, आपको जो रूम अच्छा लगे, जितने आप लोगों उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे बुकिंग ले सकते हो। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अभी हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।